नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। चमोली जनपद दूर दराज का जनपद और थराली विधानसभा सीट जहां से प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी शाह, उनसे जानेंगे आज कि उन्होंने अपने इस क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया और कितनी खुश है उनसे जनता। मैम, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप जनता की आवाज़ और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं। आपका चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ठीक मैम, मैं ये आपसे ये पूछना, चलते चलते बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं ये कह रहा था कि हम आपकी सीट पर पहुँचे हैं, हमने भौगोलिक स्थितियाँ देखी, हमने ये देखा कि लगातार विकास कार्य हो रहा है, कहीं लोगों का ऐसा कहना है, और लोग नाराज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे कि सड़कें उनके गाँव तक नहीं पहुँची, पानी उनको नहीं मिल पा रहा, ये एक बड़ी समस्या लोग बता रहे थे। लेकिन क्योंकि आपके सरकार को 4.5 साल का कार्यकाल हुआ है और क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि आप भी विधायक थी और आपसे पहले आपके जो पति थे वो विधायक थे, तो कहा जा सकता है कि जो कमान थी वो आप ही के पास थी, तो क्या लगता है कि इन 4.5 सालों में विकास हुआ है या अभी भी लोग नाराज़ हैं? अब देखो, विकास तो मैं समझती हूँ कि 100% विकास हमारी विधानसभा में हुआ है और मेरे पति को तो बहुत कम समय मिला और मुझे भी 3 साल काम करने का मौका मिला। 1 साल तो मेरा ऐसे ही दुर्भाग्य में चला गया, लेकिन 2 साल मुझे काम करने के मिले और उस दो साल में कोविड महामारी भी, इस दो साल कहें या 2.5 साल कहें, इसके बीच आई है और इसके बावजूद भी आज मैं समझती हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव तक रोड नहीं पहुँची, आज मैं समझती हूँ कि 55 करोड़ की रोडें कट चुकी है। आज मैं आपको बताऊं कि कूस जो सबसे दूरस्थ नारायणबगड़ ब्लॉक का जो कूस गांव भंगोटा से जो ऊपर जाता है वो इतना दूरस्थ है कि कभी किसी ने सोचा नहीं, आज कूस गांव में रोड जा चुकी है। इसी नारायणबगड़ ब्लॉक की बात कर रही हूँ। पालथुनी जो जहाँ के लोगों ने बोला रोड हम कभी देखेंगे भी, रोड आज गाड़ी जा चुकी है। आज आप झिझौनी देखो, झिझौनी तक तो पहले PMGSY की रोड जा चुकी थी लेकिन 5 किलोमीटर छुटा हुआ था जो कि आज मैंने कर दिया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपने विकास कार्य तो किए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि विकास कार्यों में जो चीज़ें थी, जो विकास कार्य तेजी से होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद जनता आपसे कर रही थी, वो कहीं ना कहीं कम नज़र आई, क्योंकि 5 किलोमीटर की सड़क, 10 किलोमीटर, क्योंकि लोग दूर दराज का आपका क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से राजधानी पहुँचने में लगभग 5 से 7 घंटे लग जाते हैं अगर उनके पास अपना वाहन हो तो, और अपना वाहन ना हो तो पूरा दिन लगता है। तो लगता है यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो कुछ ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। बहुत बेहतर हुई है। आज मैं समझती हूँ कि जिस रोड से हम देहरादून पहुँचते हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो भारत माला की रोड हो, आज जिस रोड को लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत खराब हुई है, तो भाई जिस रोड पे काम चलेगा वो कटिंग के दौरान या माने काम के दौरान खराब तो होगी ही। आज मैं इसी नारायणबगड़ ब्लॉक के, आज मैं इसी रोड पे हूँ, तो आज मैं इस ब्लॉक की आप गंडी कफोली रोड हमारी देख लीजिए, और गंडी कफोली जो कि 12 किलोमीटर रोड है, आज वो रोड हमारी 10 किलोमीटर कट चुकी है, केवल 2 किलोमीटर बची है। और इसी तरह की हमारी कितनी रोडें ऐसी है कि जो कि मेरे टाइम पे कटी हुई है, और डामरीकरण की मैं बात कहूँ तो आधा से ज़्यादा रोडें डामरीकरण हुई है। PMGSY की मैं बात करूँ तो कितनी 44 रोडें मेरी विधानसभा में हो चुकी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपकी विधानसभा थराली में जो रोड बननी चाहिए थी, जो रोडों का जाल होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से बिछ चुका है। बहुत ज़्यादा। आज मैं खेता मानमती की बात करूं और जो झलिया तोड़ती जहां बोलते हैं, झलिया तोड़ती मैंने रोड पहुंचाई,
खेता मानवती मैंने रोड पहुंचाई, जो तोरती में जो कितने सालों से पुल के लिए तरस रहे थे, दो पुल मैंने वहां के लिए किए, 26 पुल मैं नए लेके आई हूं, और 12 पुल करीब मेरे जो इस बीच के हैं अभी कुछ बन के तैयार हैं, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत तैयार होने में समय लगेगा, जो कि हम नवंबर दिसंबर तक उन पे भी गाड़ी चढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब कि और ये मान सकते हैं कि आप काम तो कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द और विकास होगा। चलो चलते चलते बात कर लेते हैं। एक बड़ी समस्या मैं सुन रहा था लोगों से कि बड़ी समस्या ये थी कि नाखोली जो गाँव है वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है अपनी सड़क को लेकर, और उनका कहना है कि आपने सड़क उनके गांव तक नहीं पहुंचाई। आप कह रही हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन उनके गांव तक सड़क नहीं है। और बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग कह रहे हैं हम चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे, यानी कि हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। नाखोली जो गांव है जहां की आप बात कर रहे हैं, नाखोली पैसा उनका पड़ा है, नाखोली सिमली नाखोली के ये नारायणबगड़ में ही पड़ता है, और नाखोली का पैसा गए हुए एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, और वो लोग अपनी जमीन देने को ही तैयार नहीं, तो जमीन ना तो कोई विधायक लाएगा और ना कोई डीएम एसडीएम लाएगा। जमीन तो उन्हीं लोगों को देनी पड़ेगी जिसका पैसा उनके पास डैम्प है। और यदि वो लोग नाखोली की बात करें, जो लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपनी जमीन को अपने गाँव में पंचायत बैठा के और जमीन को जल्दी से जल्दी क्यों नहीं दिलवाते। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह बहिष्कार की वो लोग बात करते हैं, तो उस तरह गांव में बैठक करा के वो लोग सीधे सीधे जमीन देने की बात करें। तो मैडम ये सड़क आपके द्वारा बनाई गई जिसमें हम चल रहे हैं? ये सड़क मेरे द्वारा बनाई गई और ये आपकी झिझोनी तक जाती है, कम से कम 19-20 किलोमीटर ये सड़क है और पूरी बहुत सुंदर है, और पूरा हमने इसमें पूरी झिझोनी तक ही काला कर दिया है, जिसको ब्लैक टॉप हम बोलते हैं, पूरा झिझोनी तक। इसमें और भी 2-3 रोड है अदर गांव में भी जाती है, जो कि इसमें कुछ बरसात के समय कहीं पे 1-2 जगहों पे स्लाइडिंग भी हुआ है, जो जिसपे की काम बहुत जल्दी शुरू होगा और हम लोग उसका पैसा भी आने वाला है, तो हम जो जहाँ पे स्लाइडिंग हुआ है हम उसको भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मैडम झिझोड़ी की बात कर लेते हैं, झिझोड़ी में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ लगभग 130 के आसपास छात्र हैं, लेकिन अध्यापक केवल 2। ये किसकी गलती मानते हैं आप? ये तो सरकार का फेलियर है। ये हम ला रहे हैं, जो अभी हमारे कुछ गेस्ट टीचर हैं, और हम उन टीचरों को अभी भरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ये कोविड महामारी के तहत हम लोग विद्यालय खुले नहीं, और कुछ कोर्ट से भी इस पे रोक लगी थी, तो हम ला नहीं पाए, और हम बहुत जल्दी हम टीचरों को भरेंगे। मतलब कब तक उम्मीद कितने दिनों की करेंगे, कब तक ये सड़क जो स्कूल हैं वहाँ शिक्षक पहुँच जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी? हम नवम्बर तक शिक्षकों को भरेंगे। आज विपक्ष के लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के विधायक ने कुछ नहीं किया, आज मैं कहती हूं कि हमारा ये दुर्गम विधानसभा मेरी है, और आज आप ये देखो कि सबसे पहले साजी विधायक बने, जो कि मेरे पति थे, और उनके जाने के बाद सबसे पहले मैं नारायणबगड़ में डिग्री कॉलेज ले आई, उसके बाद अभी देवाल का डिग्री कॉलेज में ले आई। आज जो पिछली सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो 4 करोड़ रुपया कुछ लाख रुपए मैं घाट में दे चुकी हूँ भवन बनाने के लिए, वही 4 करोड़ रुपया 54 लाख इतना में आपके जो महाविद्यालय आपका थराली तलवाड़ी में आता है, तो उस तलवाड़ी के लिए मैं दे चुकी हूँ। आज जो पिछली सरकार बोली कि सारे इंटर कॉलेज हमने खोले, आज मैं समझती हूँ कि जब उन्होंने सारे खोल दिए थे, उन्होंने सब कुछ कर दिया था,
तो आज मैं आपको एक साइड से यदि इंटर कॉलेजों को गिनाऊं तो आज लोग मुख्या भवन की घोषणा रायका चौबता में परसों ही मैंने सीएम साहब से करवाई, आज हंसकोटी में 93,57,000 रुपए हमारी मैंने दिया खुद लाख। अभी जब तक मैं विधायक थी हंसकोटी में मैं लाई, आपके पैतोली में मैं लाई, सड़कोट में मैं लाई, आपका कंडाल गांव में मैं लाई, आपके वाण में मैं लाई, आपके लुआणी में मैं लाई, और इतने विद्यालयों का पैसा आप जो विपक्ष की सरकार अभी कोब में 15 लाख रुपए जिला योजना से मैंने डलवाए, कोब के इंटर कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, 15 लाख रुपए जिला योजना से मैंने डलवाए, विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए प्रार्थना स्थल के लिए मैंने डलवाए, 5 लाख रुपए जिला योजना से मैंने डलवाए, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हॉस्पिटलों में COVID-19 के तहत हमने निशुल्क इलाज, निशुल्क दवाई और निशुल्क सैनिटाइजर मास्क गांव-गांव तक हमने पहुंचाए, ऑक्सीजन मीटर थर्माकोल सारे हमने पहुंचाए, और 1 रुपया न लेके दवाई से लेकर, और मैं समझती हूँ कि हॉस्पिटल नारायणबगड़ की जो मैं बात करूँ, जिस नारायणबगड़ की आ रही कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण क्यों नहीं हुआ। मैडम हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ इस स्थान पे मैंने आपको इसलिए बिठाया है ताकि मैं दिखा सकूँ, ये आप देखिए पीछे, ये आपको पूरा नारायणबगड़ दिख रहा है, पूरा बाजार दिख रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि जो सड़कें हैं आप देख रही होंगी पूरे गड्ढे गड्ढे इन सड़कों में हो रखा है, और गाड़ियों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है, ये बाजार की समस्या कब सुधरेगी? ये बाजार की इस पे काम चल रहा है, और काम चलते वक्त तो गड्ढे होते ही हैं, क्योंकि आपको बगोली से ऊपर जो कि ये रोड पूरे ग्वालदम तक भारत माला में है, और इस पे काम आजकल ही चला है, ये किसी से भिन्न नहीं है, और जब मशीनें लगातार चल रही है तो गड्ढे आएंगे, और इस पे 1 साल की और जरूरत है, हमारी रोड बहुत सुंदर बनेगी क्योंकि भारत माला में ये रोड बन रही है, और केंद्र सरकार तो ठीक है, लेकिन देखिए आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप यहाँ स्थानीय नागरिक भी हैं, विधायक के साथ साथ आप स्थानीय नागरिक भी हैं, ये लैंडस्लाइड का स्थान था, आपको नहीं लगता कि इस मार्ग को चेंज करना चाहिए था? क्योंकि 2013 की आपदा में आपने देखा होगा पूरा नारायणबगड़ आपका जो बाजार था वो ढह गया था, आधा जो आपका उस तरफ का बाजार था मेरे अगर पीछे देखेंगे आप तो वो पुल भी ढह गया, वो बीच में आ गया, स्थिति ऐसी होगी कि ना लोग पार कर सके ना इस तरफ आ सके, और लैंडस्लाइड के चलते नुकसान ही नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इसमें जो नारायणबगड़ का पल्लीपार की साइड है उसको पल्लीपार बाजार भी बोलते हैं, ब्लॉक वाला बाजार जो है, और ये रोड जो बीआरओ की रोड है अब इस लाइन को छोड़ के उसी तरफ पुल बनेगा, 2 पुल बनेंगे और वहीं से रोड भी जाएगी, उधर उन्होंने लेन का चयनित कर रखा है, और ये मैं समझती हूँ कि ये बरसात को ही वो लोग ठहरे थे, और इसके बाद वो जो उनका दूसरी तरफ लेन उन्होंने चयनित कर रखी है वहाँ पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ पर काम आप शुरू करेंगे, लेकिन मैम स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं आपकी विधानसभा में, उसका कारण ये है कि लोगों का बड़ा विरोध देखने को मिला। हम एक कार्यक्रम कर रहे थे अपना आपके ही विधानसभा क्षेत्र थराली में किस्सा कुर्सी का, तो हमने आपके एक जनप्रतिनिधि को बिठाया था, आपके विपक्षी दल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को बिठाया था, आम जनता को आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में कि वो आएं और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि उनके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ। तो ये एक सवाल बहुत ज़्यादा हमको सुनने को मिला कि एक तो सड़कें जो बनी उसके बाद उन पर कभी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, दूसरी ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा सुनी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, जो स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ में है उसमें 2 डॉक्टर ज़रूर आपने दिए, लेकिन रात में कोई इमरजेंसी के लिए डॉक्टर नहीं होता, और आपको नहीं लगता कि इतना दूर का क्षेत्र है केवल रेफर सेंटर बनकर ये रह गया? जिस नारायणबगड़ की आप बात कर रहे हो वो जो डिमरी डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि
जब भी मरीज रात को आते हैं, डॉक्टर डिमरी और रोहित जी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और क्लिनिक किसी समय नहीं मिलते होंगे, तो मैं समझती हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होने चाहिए। और हम डॉक्टर साहब को भी ये बोलेंगे भाई, जो उनका कमरा आसपास ही है, और जब भी कोई फोन भी करता है तो डॉक्टर साहब आते हैं। और हम तो इस हॉस्पिटल की सुविधा को हमने सुधारने का बहुत बहुत कुछ संसाधन उसमें जोड़े हैं, और अभी भी हम लोग जिन जो सुविधा से जो चीज़ उनके पास नहीं है उसको भी ला रहे हैं। और अभी जो हमारा थराली का हॉस्पिटल है वहाँ पर भी बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर, तीन तीन चार चार डॉक्टर हैं, और सारी स्टाफ उसके, मैं समझती हूँ कि जब विपक्ष की सरकार थी तो एक भी डॉक्टर हमारे पास नहीं था, आज तो तीन तीन चार चार डॉक्टर रहे, और हम प्रयास करेंगे कि वो लोग रात में भी वहाँ रहे। मैम एक और समस्या देखने को हमने, क्योंकि हम इस क्षेत्र में ही घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे कि क्षेत्र की समस्याएं क्या है, हमने एक और बड़ी समस्याएं देखी, पंचायतों को मजबूत करना। आपकी सरकार चाहती थी कि पंचायत मजबूत हो तो गाँव का विकास होगा, बेहतर काम आप लोग कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या पंचायतों में ये आ रही है कि जो प्रधान है उनको क्रय सामग्री यानी कि जो सामान लेते हैं चाहे वो बाज़ार से उठाते हैं, उनका जो भुगतान है सही समय पे नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि वो जो सामान उन जिन लोगों से वो लेते थे वो उन्होंने सामान देना बंद कर दिया। जब सामान ही बंद हो गया तो विकास कहाँ से होगा? तो आपको नहीं लगता कि जो पेमेंट है इनकी समय समय पे मिलती तो ग्राम का विकास होता, जब गाँव का विकास होता तो लोग गाँव में ठहरते? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी इनका भुगतान होना चाहिए, और जो आपत्तियाँ इनको झेलनी पड़ रही है वो प्रधानगण कुछ आके बताए, और जो जो इनका निदान लेट हो रहा है किन कारणों से हो रहा, हम लोग भी सी डी ओ से बात करके, क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी सी डी ओ ही है, तो सी डी ओ से बात करके किन कारणों क्यों इस पर विलम्ब हो रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। मैम मैं देख रहा हूँ मेरे दाहिने तरफ एक पुल बना हुआ है, आपने भी देखा होगा, जाने के लिए पुल है, हालांकि झूला पुल उसे कह रहे हैं। मैं बाज़ार में गया था, मैंने पूछा, क्योंकि हम यहीं बैठे हैं तो मुझे लगा कि उस पर बात कर लेते हैं। मैं बाज़ार में गया, मैंने लोगों से पूछा भाई ये पुल क्यों बना है, तो उन्होंने कहा 2013 की जो आपदा आई थी उसमें जो झूला पुल था वो टूट गया था, तो एक वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए दूसरा पुल बनाया गया। ये कहा गया था जनता से कि इसमें चौपहिया वाहन जाएगी यानी गाड़ियों के लिए बनाया गया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो चौपहिया नहीं, वो सफ़ेद हाथी हो गया, उसमें आम जनता भी नहीं जा रही, क्योंकि वो पुल तो बनाए गए हैं लेकिन जहाँ वो पुल ख़त्म होता उसके बाद रास्ता ही नहीं है। तो क्या एक पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश हो रही थी, और किसकी सरकार में हुआ था ये तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी की सरकार में हुआ था, जो कि विपक्ष के विधायक, जबकि नारायणबगा की जनता ने विरोध किया था कि ये पुल चौपहिया होना चाहिए, और उनको तो एक खाली जनता को दिखाने के लिए पुल बनाना था, उन्होंने पुल बना दिया, जनता के काम आए न आए उनको क्या पड़ी है। लेकिन उस समय भी मेरे पति जी प्रमुख थे और उन्होंने बहुत विरोध किया, आज हमारा ये चौपहिया पुल होता तो शायद आज हम इस बाजार की समस्या से नहीं जूझते, तब बहुत जनता ने विरोध किया, लेकिन जो उस समय के विधायक थे उन्होंने एक भी जनता की नहीं सुनी और इस तरह का पुल को खड़ा कर दिया, जिसका लाभ आज गाय भैंस तक नहीं ले पा रहे हैं, मनुष्य तो दूर की बात। ठीक मैम, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, और आपको मानते हैं कि दुरुपयोग हुआ है सरकारी धन का जनता के पैसों का? मैं तो क्यों नहीं मानूंगी, हमने तो बहुत विरोध किया, तब भी विरोध किया, हम तो बोले थे यदि बना रहे तो चौपहिया बनाओ, और यदि पैदल बना रहे तो जहाँ पर पुल बहा है वहाँ पे बनाओ, लेकिन वो इस कोने में बना है कि वो किसी के काम नहीं आ रहा है। तो क्या देखते हैं एक बार उस पुल की स्थिति देखते हैं कि मैम कितनी लागत में बना था वो पुल, लगभग कितने पैसे लगे थे उसमें? अब ये तो एक्चुअली मुझे नहीं पता, लगभग कितना हो सकता है? लगभग ये 12 करोड़ समथिंग का होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने करोड़ का है, लेकिन चाहे वो 12 करोड़ का है चाहे वो 10 करोड़ का है, ये धन का दुरुपयोग इसको कहते हैं, कि आज जो पुल जो हम इतना तरस रहे हैं, आज वो पुल बना तो किसी गाय भैंस के तक वो काम नहीं आ रहा है, वैसी जगहों पे पुल बना है, आज ये पुल कहीं सेंटर में होता चौपहिया होता तो इसका लाभ जनता को मिलता। जनता को लाभ मिलता।
अब मुझे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इस पर कुछ काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस पुल को लेकर कुछ विकास कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं जो जनता का धन ऐसे दुरुपयोग चीज़ों में लगा है, ऐसी चीज़ों को आप रोकेंगे। लेकिन एक और सवाल, आपने कहा जाल बिछा दिया, सब कुछ कर दिया, कई ऐसी सड़कें थी जो बनी थी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में इसलिए कह रहा हूँ कि नंदा देवी राजजात प्रमुख मार्ग है आपकी विधानसभा से, और देवाल से लेकर वाण तक की कई सड़कें आज बदहाली की कगार में है। इतने गड्ढे हैं कि जो जो गाड़ियां अपनी चलाती हैं उनकी चैम्बर तक उसमें टूट जाते हैं। ये नहीं लगता कि आपको उन सड़कों को दुरुस्त करना चाहिए था? और क्योंकि जनता का आना जाना, और वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से राजधानी लगभग पूरा एक दिन लगता है, सुबह अगर व्यक्ति निकलेगा तो देर रात तक पहुँचेगा अगर रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई तो। आज आप उन सड़कों की बात कर रहे हैं, सबसे पुरानी रोड थी हमारी वाली, जहाँ सैनिक धाम कहा जाता है, तो मैंने उस पुरानी सड़क को लेते हुए आज उस पर चौड़ीकरण और डामरीकरण का काम पूरा होने जा रहा है। आज हमारी सबसे पुरानी रोड थी रैंस चोपता भटाना, जिसपे कि हमारा आज चौड़ीकरण और डामरीकरण हो रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में मैंने दो दो रोड़ें चुनी है और दो दो रोड़ों की मैं मरम्मत करा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं कि इतने सारी सड़कों पे लगातार बजट आना संभव नहीं है, तो हमने दो दो करके चुना है। और आज आप नारायणबगड़ ब्लॉक की मैं बात करूँ तो रेस चौबता, जो कि हमारी सबसे पुरानी रोड है, और झिझोनी बम्याला, जो कि हमारी सबसे पुरानी रोड है, आज झिझोनी से ऊपर एक गांव चंद्रपुरी करके है, तो आज जो विपक्ष वाले बोलते हैं तो मैंने वहां रोड से जोड़ दिया है। आज बम्याला जो गांव झिझोनी से पड़ता है, तो बम्याला को आज पैसे आ चुके हैं, मैंने जोड़ दिया है। केवर इसी विकास खंड में पड़ता है, केवर को मैंने रोड से पैसे आ गए हैं, काम शुरू होने वाला है। और कोट जो गांव बोलते हैं, जो कि भट्टाड़ा रोड पे पड़ता है, कोट का मैंने जोड़ दिया है। और मैं समझती हूँ कि हमने प्रत्येक विकास खंड में दो दो तीन तीन रोडें जोड़ रखी है, ताकि हम उन पुरानी रोडों को ठीक कर सके, पुरानी रोडों को ठीक कर सके। चुनाव नजदीक है, ये कहते हैं कि चुनाव से पहले घोषणाएं सभी लोग करते हैं, वादे जनता के साथ करते हैं, आपको लगता है कि अब घोषणाओं की जरूरत नहीं है, धरातल पर काम करने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को? अब तो सभी को काम करने की जरूरत है, और हमने तो, हमारी सरकार ने, बीजेपी की विधायक ने हर से 100% काम करके दिखाया है। आज चाहे विद्यालयों का जाल हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे पेयजल का, आप देख लो, पेयजल का फेस वन का हमारा पैसा आके भी खर्च भी हो चुका है, और टू फेस का पैसा आने वाला है, हमारा कुछ आ भी गया है, ट्रेंडिंग उस पर चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पानी नहीं है, पानी नहीं है, और हमारा स्वजल का भी पैसा आ चुका है, जो कि पेयजल का मैं कहूँगी, पेयजल का भी हमारा पैसा आ चुका है। और रोड़े हमारे इतनी जाल, तो समझती हूँ कि 15 वर्षों में कभी इतनी रोड़े नहीं होती, इतनी जाले नहीं होती। मैम एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, आपके पास में ही है गैरसैंण, आप चाहते थे वहाँ राजधानी की स्थाई, बहुत सुंदर राजधानी भी बनी है, हमारी राजधानी को एक आखिरी सवाल, लगता है जनता
बड़ा विरोध हुआ, सत्ता बदल हुआ, उनको पड़ी, लगता है ऐसी चीजें नहीं होनी थी राजनीति में, नहीं होनी चाहिए। अब वो तो सरकार का मामला है, मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जिले की आप बात कर रहे हैं तो जिले के जब थराली के विधायक जीत राम जी थे तो उन्होंने बोला था कि थराली को यदि जब तक अपनी सरकार में, जबकि हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद कहा था कि यदि थराली को जिला नहीं बनाएंगे तो विधायक पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन करनी और बोलनी में उनका फर्क रहा, क्योंकि उनकी आदत वैसी है, करनी वैसी है, क्योंकि एक तरफ जनता का अनहित कर रहे हैं और एक तरफ विद्यालय के पालियों का अनहित कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वहां बोलते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, वहां बच्चों का अनहित कर रहे हैं, और यहां जनता के बीच घुस के बोले कि मैं यहां का विधायक हूं। पूरे महीने महीने चमोली जनपद में थराली विधानसभा में आजकल उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। जो प्रोफेसर जहां के कहलाते हैं, उनका उनका काम था बच्चों को पढ़ाना, और वो उन बच्चों का अनहित करके पूरा एक एक महीना विधानसभा थराली में गुजार रहे हैं। और हो सकता है कि थराली विधानसभा वाले या अन्य जगहों वाले आईटीआई में भी मांग सकते हैं कि दोनों जगहों का, जिस बंदे को अपनी नौकरी का ख्याल नहीं। और तो मैडम एक आखिरी सवाल भी आपसे हो गया, अब ये केवल एक सवाल, थराली की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, मैदान में आप उतर ही चुकी हैं, क्या मैसेज है, किस तरीके का प्रतिनिधि उनके लिए होना चाहिए इस सीट पर? मेरा सवाल ये है कि आप उत्तराखंड निवासी हैं, आप चमोली जनपद से हैं, आप यहाँ से विधायक हैं थराली से, आप क्या चाहती हैं, थराली की जनता को किस तरीके के विधायक की जरूरत है, क्या लगता है कि थराली की जो जनता की जो विधायक की मांग थी वो आप पूरी करेंगे 2022 में? बिल्कुल पूरा करेंगे, हमने जनता को पता है कि कितना काम हमने किया है इन 5 सालों में, हमने 100% काम किया है, और आज जनता बहुत खुश है काम को देके, और 22 में हम पुनः अपना विधायक लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे, और हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी हर हर घर घर मोदी, ये आपका नारा है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मुन्नी देवी शाह, जो कि विधायक हैं थराली विधानसभा सीट से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए जिससे कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में वो फिर जीत कर विधानसभा पहुँचेंगी और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।